तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव योर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। सियाचिन ग्लेशियर की पोस्टिंग को दुनिया की सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग में से एक माना जाता है। इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर को फ्रोजन हेल यानी कि बर्फीले नरक के नाम से भी जाना जाता है। कोलोनेल गुरुम भी इस खबर को सियाचिन में स्थित इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड को भेज देते हैं, जहां से ये खबर ले में स्थित 14 क्रॉप्स के बेस और वहां से उधमपुर स्थित इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड से होते हुए ये खबर दिल्ली में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, उधर मेजर विपिन भी कुछ घंटे की हाइकिंग के बाद अपनी सर्च और रेस्क्यू टीम के साथ सोनम पोस्ट पर फटाफट से पहुंच भी जाते हैं। जल्द ही आर्मी एविएशन क्रॉप्स के हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड पर उतरने लगता है और अपने साथ और ज्यादा सोल्जर्स को सोनम पोस्ट पर पहुंचाने लगता है। दोस्तों, सोल्जर्स और इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स के साथ साथ एवलॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किए गए डॉग्स को भी सोनम पोस्ट पर लाया जाता है। पूरे दिन बर्फ में खुदाई करने के बाद भी अब तक एक भी सोल्जर को नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गहराई में चले गए थे। उन 10 सोल्जर्स को बर्फ के नीचे दबे हुए अब तक 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका था और ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। एक तरफ इंडियन आर्मी अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ उन 10 सोल्जर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही होती है, तो वहीं पूरे देश और उन 10 सोल्जर्स की सही सलामती के लिए पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो क्या सोल्जर्स जिंदा बच पाएंगे, जानने के लिए इस वीडियो में अगले अंक का करिए इंतजार। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हो सकता है सोल्जर 2 की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही हो। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।